हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम अकेडमी पर। यहाँ पर आप सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचाने का काम किया जाता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NTA की तरफ से ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में। ICAR ने एक बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। तो गाइस, आप में से कई स्टूडेंट इस टेंशन में है कि उनका रिजल्ट कब तक आने वाला है और NTA ने अभी तक ICAR पर क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइस, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो उन तक सही समय पर पहुँच जाए। गाइस, यहाँ पर हम ICAR के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ UG और PG साथ ही साथ PhD का जो आंसर की है यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। तो हम चलते हैं पहले इनके नोटिफिकेशन पर और नोटिफिकेशन द्वारा समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या मेंशन किया है, फिर उसके बाद हम आप लोगों को आंसर की को चैलेंज करने का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बता देंगे। तो गाइज़, यहाँ पर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इनका नोटिस डाउनलोड कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिस 4/10/2021 को ही रिलीज़ कर दी गई थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने एग्ज़ाम का डेट मेंशन किया हुआ है। ये 17 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था, जिसका एग्ज़ाम मोड था वो CBT मोड था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था। इसमें इन्होंने बताया है कि आप लोगों का ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन प्रोविजनल आंसर की एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एग्ज़ाम आर नाउ होस्टेज ऑन, ये इन्होंने इनकी वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है और यहाँ पे बता दिया गया है कि दे विल बी अवेलेबल फॉर 2 days अप टू 5 अक्टूबर 2021 इन द गिवन विंडो, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर की इनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है वो 2 दिन के लिए ही मान्य है। 2 दिन के बाद यानी कि 5 अक्टूबर 2021 तक ही ये उपलब्ध रहने वाला है। गाइज, आप लोग अपने अपने UG PG और PhD के आंसर की को इनके दिए हुए वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, क्योंकि इनका जो चेक करने का जो डेट दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर दिया है वो 2 दिन के लिए ही अवेलेबल है, ये 5/10/2021 तक ही अवेलेबल रहेगा, यानी 5 तारीख तक यानी आज के शाम 5 बजे तक आप लोग अपने अपने आंसर की को चेक कर लें। और अगर आपको अपने आंसर की में किसी क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि NTA ने किसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो चैलेंज का जो फ़ी रखा गया है वो पर क्वेश्चन जो है 200 रुपये रखा गया है और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। तो आप लोग यहाँ पर इसको चेक कर लें। तो आप लोगों के पास सिर्फ आज का ही डेट बचा हुआ है, क्योंकि 2 दिन का जो समय इन्होंने दिया था उसमें 1 दिन तो इनका नोट चला ही गया है और आज इनका लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से इनके आंसर की को डाउनलोड करके अपने अपने क्वेश्चन को मैच करा लें, ताकि अगर किसी तरीके का किसी को कोई असहमति लगे इनके आंसर की में तो वो अपना जो है कि क्वेश्चन चैलेंज कर सकता है। तो चलिए इनके वेबसाइट पर चलकर आंसर की को डाउनलोड करने का भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो साथियों, हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस आ गए हैं और यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो ये दो लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसमें से एक PG का लिंक दिया हुआ है और दूसरा जो है वो ICAR PhD का लिंक दिया गया है। तो हम बारी बारी से दोनों लिंक को ओपन कर लेंगे। तो गाइज, जब आप इनके लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड के थ्रू जो भी तरीके से अपना आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू करना है तो यहाँ पर एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देना है और फिर इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर मेंशन करके लॉगिन कर देना है। अगर इनके रिज़ल्ट के बारे में बात कर लिया जाए तो अभी तक तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है, लेकिन जहाँ तक पिछले एग्ज़ामों को देखा जाए तो ICAR का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा नीट के एग्ज़ाम के बाद ही आता है। और अभी इस समय सिचुएशन ऐसा है कि नीट का जो है सेकंड फेज का ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है और साथ ही साथ उसका करेक्शन का भी ऑप्शन चल रहा है। तो हो सकता है अगर 4-5 दिन के अंदर इसका जो है कि रिज़ल्ट नहीं घोषित किया गया तो आप लोग ये मान के चलिए कि नीट के एग्ज़ाम के बाद ही इसका जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।